जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी जाति की है। पूरे देश को जीतना चाहिए। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार ब्रजभूषण सरंग सिंह खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा से लेकर के राजस्थान, पंजाब से लेकर पश्चिमी यूपी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। बड़ी खबर, वकीलों ने फूंक दिया पुखला पुतला। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, गुस्से में देश भर के लोग। दूसरी बड़ी अपडेट, नौजवानों नार्को टेस्ट के लिए तैयार करने का ऐलान। ब्रजभूषण ने कहा, मैं नार्को का टेस्ट तैयार हूँ करवाने के लिए, पहले पहलवानों के सामने भी रखी सर। पहलवानों ने भी कहा, हम भी तैयार हैं नार्को को लेकर, अब दोनों में आर पार की तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, सतपाल मलिक ने फिर से घेरा, कहा मोदी दो मित्रों को कर रहे मजबूत, लेकिन वो दोनों मित्र एक भी फूटी कौड़ी गरीबों में नहीं बांटते। अपनी बेटियों की सगाई में हजारों करोड़ खर्चे करने वाला अंबानी पूरी तरीके से है कंजूस। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे। दोस्तों, जहां पहलवानों के समर्थन में खापों ने भरी हुंकार, हो गई बड़ी रणनीति। 23 तारीख को कैंडल मार्च, 28 को घेरेंगे मोदी की नई बनी संसद भवन। अगली खबर में बताएंगे। दोस्तों, जहां बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पहलवानों और किसानों के कूच के बाद अब मोदी सरकार बैकफुट पर। बड़ी खबर निकल के आई है, दिल्ली पुलिस ने उठाया तगड़ा एक्शन, योगी खोल सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की हिस्ट्री शीट। बताएंगे इनके बारे में तो एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले एक छोटा समय, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों, वकीलों ने खोला मोर्चा। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, वकीलों ने फूंक दिया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला। बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को 15 संगठनों ने प्रदर्शन किया और ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका। ये बड़ी खबर हरियाणा के से निकल के आई है, जहां रोहतक, पानीपत समेत कई जगहों पर जोरदार तरीके से विरोध हुआ उनके समर्थन में। अब वकील भी समर्थन में उतर आए हैं। वकीलों ने भी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंकते हुए तत्काल उनके गिरफ्तारी की मांग की है। पहलवानों के समर्थन में वकीलों ने कहा है कि जिस तरीके से और जितने एविडेंस हैं और जिस तरीके से जितने एविडेंस हैं और जितनों ने आरोप लगाया है, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद कानून यही कहता है कि अभी तक जो है वो इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है। और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। इस आंदोलन को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है। वकीलों का सीधे तौर पर देख सकते हैं कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका और जोरदार तरीके से विरोध जताया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, मैं नार्को टेस्ट करवाने को तैयार, लेकिन ब्रजभूषण ने पहलवानों के सामने रखी शर्त। दरअसल बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह कथित यौन शोषण का सामना कर रहे और उनके खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के रोहतक में एक खाप पंचायत की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में खाप नेता पहुंचे और जहां खाप के लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट करवाने की मांग उठाई, उनके बाद बीजेपी सांसद का बयान सामने। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पहलवानों के सामने शर्त रखी। ब्रजभूषण ने कहा, मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाइव डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें, मैं उनको वचन देता हूं कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। वहीं बीजेपी सांसद ने रामचरितमानस की चौपाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई वाली बात को भी उन्होंने कहा है। इस बीच बड़ी अपडेट ये निकल के आई है, जहां ब्रजभूषण सिंह के इस चैलेंज को बजरंग पुनिया ने ऐलान करते हुए कहा है कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बजरंग पुनिया स्वीकार कर लिया है। पुनिया ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जिन खिलाड़ियों की शिकायत है वो भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोच विनोद तोमर, जितेंद्र और धीरेंद्र को भी नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। सीधे तौर पर जो है वो बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके
सभी का नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की और उन्होंने कहा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने घोटाले हुए हैं, जिन जिन लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई है, सीधे तौर पर ये विवाद पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। अब सुनिए क्या कुछ कहना है ब्रिजभूषण का। ट्रायल कराया है, ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल कराया गया है, उसमें भी सहयोग किया गया है। लेकिन देखिए आज विशेष करके जो बच्चियां अभी नई नई अखाड़ों पर आई थी, जिन्होंने कस्ट्यूम खरीद लिया था, जूता खरीद लिया था, अखाड़ों की संख्या घट रही है और गार्जियन अपने बच्चों को वापस ले जा रहे हैं और बहुत घोर निराशा है पहलवानों के अंदर। लगातार भारत का एक ऐसा खेल है जो लगातार 3 ओलंपिक से मेडल दे रहा है और ओलंपिक में मेडल सुनिश्चित है। जब वर्ल्ड में भी हमारे बच्चे मेडल लेकर के आते हों, चाहे जूनियर हो, चाहे कैडेट हो, चाहे सीनियर हो, चाहे 23 हो, तो उसी से उम्मीद लगाई जाती है कि ओलंपिक में कुश्ती का मेडल रहेगा। यानी कि कुश्ती का एक ऐसा माहौल बन चुका है कि ओलंपिक में मेडल रहना ही रहना है। लेकिन इधर 4-5 महीने से कुश्ती के खिलाड़ी बहुत ज्यादा परेशान है और घोर मतलब कह लीजिए निराशा में इस समय कुश्ती चल रही है। बच्चे बहुत परेशान है, जल्दी से ये चैप्टर समाप्त होना चाहिए और जिससे बच्चे जो है ज्यादा नुकसान ना हो। उस दिन आप क्या 5 जून को आगाज फिर आप उसी में से क्वेश्चन निकालने लगे। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है लेकिन आज कहीं कहीं निकालता है कि 90 से 100 नौजवान इस पर आत्महत्या कर रहे हैं। 80-80 साल के बुजुर्गों पर लिखा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि ऐसे वाकई में बहुत से ये इस समय ये हमारा विषय नहीं है और संत क्या बोलेंगे मैं नहीं बता सकता हूँ। संतों ने बुलाया है, देश को आह्वान किया है। अब उनके मन में क्या है, वो क्या विचार विमर्श करना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, जो उनको बोलना हो बोलेंगे। और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो संख्या संतों ने कोट की है, 11 लाख की है, हमारे क्षेत्र की जनता और देश की जनता हमारे समर्थक सब मिल करके उस संख्या को पूरा करेंगे, उससे तब ज्यादा हो जाए। सांसद जी कुश्ती पर चलिए लंबा विषय है, देश महसूस करेगा ये लंबा विषय है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। खापो ने भरी हुंकार कर दिया बड़ा ऐलान, 23 तारीख को खाप खिलाड़ियों के कैंडल मार्च में शामिल होंगे, 28 तारीख को महिला महापंचायत होगी, उनमें सभी खाप पंचायत और किसान संगठन जाएंगे। नए संसद भवन पर राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा। राष्ट्रीय लोकदल पहलवानों के समर्थन में RLD ने भी अपना समर्थन दे दिया है, सीधे तौर पर कहा है कि अब हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब यह आंदोलन लंबा चलेगा और इस आंदोलन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, किसान आंदोलन में भी हम सबने देखा था और इस वजह से ये तैयारी होगी। इस बीच आपको बता दें पहलवानों के बीच एक महिला भी गर्जी, पहले राकेश टिकैत को जरा सुन लीजिए। देखो जो कमेटी ने फैसला सुनाया वो कैंडल मार्च का है, 28 तारीख को वहाँ पे फिर पहुँचना है, 23 तारीख को जाना है वहाँ पे। कैंडल मार्च में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शामिल हो, पुरुष जाए। कैंडल मार्च इंडिया गेट पर रहेगा, 5 बजे वहाँ पहुँच जाए। उसके बाद में 28 तारीख को वहाँ पे फिर मीटिंग होगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पहुंचे। जंतर मंतर पर मीटिंग होगी, नए संसद भवन पे है तो जंतर मंतर ही है, वहीं से नजदीक पड़ता है, इकट्ठा होंगे एक जगह और वहां से फिर आगे नए संसद भवन को चुनने के पीछे का क्या उद्देश्य। और भाई जो बुजुर्गों ने सुना ये भी देख जाएंगे नई संसद भवन का अपनी। हाँ नहीं नहीं ज्यादा सब लोग अपील करिए कि सब लोग वहां पे पहुंचे। अब देखते हैं कि कितने लोग वहां पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन नहीं उस पर बात चल रही है अभी तो वो देखनी पड़ेगी। उसका फिजिकल सर्वे करेंगे कि उसके रास्ते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आगुआ बनी, कहाँ को जाते हैं, उसका जाकर अभी फिजिकल सर्वे करेंगे पहले। तो संसद के लिए टाइम क्या रखा गया है और क्या टाइम? अरे टाइम तो सुबह से ही हो जाएगी, जब जहाँ आदमी जाएंगे तो भाई सुबह से ही जाते हैं। अभी पहले इनकी बात हो जाने तो फिर बता दूंगा। वहाँ पे लोग जाते हैं 20-30-50 आदमी रोज जाते हैं, प्रेशर नहीं, अपनी बात कहते हैं वे। ये है जी ठीक है जी, हरियाणा को फायदा हो रहा, यूपी को नुकसान हो रहा, वे अपनी बात कहें। अजी ये तो गलत हो रहा,
वे नु कहते हैं कि भाई आप हरियाणा चल जाओ, हरियाणा वालों से बात कर लो। हरियाणा एक आदमी जब मैंने नहीं कूदता वहीं तंग करो जा। क्या रोल है सर? हमारा तो ठीक रोल है, हम तो इनके साथ में है सब। अपनी बात कह रहे हैं वे लोग भी अपनी बात कहते हैं, प्रेस वाले अपनी बात कहते हैं, वहां पे जाके 20 तरह के क्वेश्चन करें। अब हमने कहा क्वेश्चन हमें से कर ले करो तुम। हमारे तो एक तो ट्वेल का मोटर चल रहा, एक ट्रांसफार्मर चल रहा, एक बोरिंग फेल हो गए, वैसे ही दिमाग खराब है। अब जाकर काम छुटावे। एक और खबर आपको बता दें, एक इस खाप पंचायत के बीच एक महिला पहलवान गर्जी जिन्होंने ब्रजभूषण पर बड़ा हमला बोला और खास करके दिल्ली पुलिस पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस मांग रही है कि आपके साथ क्या हुआ है, जरा उसकी वीडियो और फोटोज दो। यानी हमारे पहलवानों के साथ जो छेड़खानी हुई है उसका जो है वो एक तरीके से वो सबूत मांग रहे हैं, वीडियो और फोटोज मांग रहे हैं। अरे सर मानी चाहिए, जिन्होंने 15-15 साल मेहनत किया इस मेडल के लिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी आधी जिंदगी खपाई देश के लिए, उन्हीं पहलवानों से इस तरीके की चीज़ें मांग हो रही है ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने भरी हुंकार भर दी है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जरा सुनिए क्या कुछ कहना है पहलवानों का। Fuck.